क्या मांगेंगे? लो ना, तो इसे लो। कंफर्म ना, गलती हुआ? तो भाई मेरा वहां गड़बड़ा जाएगा ना सेटअप, बेचारा वो खोजेगा फिर बाइस कहाँ चला गया। हाँ हाँ, कोई अगर देखता होगा हमारा दूर का बच्चा तो उसको नहीं पता चलेगा ना, तो भाई मेरा यूट्यूब में पूरा खोज देगा कहीं भी। हम भी कंफ्यूज कर जाएगा ना, हम भी सोचेंगे कि रिकॉर्ड तो किए होंगे, बाईसवा क्लास गया कहाँ पे, हमको भी दिक्कत होगा ना। नहीं नहीं, टाल तो पूरा देंगे, आओ नहीं आओ, बैठो मत बैठो, घर पे सूत जाओ, आई डोंट केयर, डाल देंगे इस बार हम पूरा, हम डाल के ना निश्चिंत हो जाएंगे। वाह गजब, तो इसका कैसे डालते हम? आए ससुराल जाना पड़ता, कल तो साली का फोटो डालते तब हम ना। हाँ कल नहीं आए कि मेरी साली है ना, वो नीट का एग्जाम दी थी, दो बार दी है, पास नहीं की, बकलोल होगी, कैसे पास करेगी, समझा के ना। हाँ अब कर, मतलब बेइज्जती कर रहे थे, मैं सुन लो, तो नहीं पास की अपना, तो अपना कल बोली सर बीएससी में एडमिशन लेंगे, तो थोड़ा जाना पड़ा हमको एडमिशन के लिए, नहीं हुआ एडमिशन, लेकिन किस्मत खराब। चलो कैथी कौजी गए, बोलो ना, डॉक्टर तो बिंदास बोलो, उतना घबराना, देखो मेरे पास घबराना भी नहीं है, शर्माना भी नहीं है। अरे वाह यार, देखो पहले दिन बोल दिए थे कि आई एम मैरिड, हम शादीशुदा है, शादी हो गया है मेरा, आज पता चला तुम लोग को, वो भोज चाहिए, इसे कहने वो भोज छूट गया है, अगर सर जी अभी नहीं रहते तो एक भोज तो जग जाता मेरा, शादी हो 2 साल हो गया मेरा। मजाक लग रहा है क्या किसी को? नहीं पता है, वहां पार्लर जो चलाती है मेरी वाइफ, अरे हम लोग बहुत 2 रोटी खाने के लिए कितना व्यवस्था करते हैं हम ही जानते हैं। नहीं समझे कि हम लोग, मेरा घर दरभंगा है ना, तो यहाँ गुजारा करते हैं, दया लेके रहते हैं, नहीं दया लेके रहते हैं, तो वहां पे नहीं नहीं वहां रूम लेके रहते हैं, वहां मेरी वाइफ पार्लर चलाती है, हम पढ़ाते हैं, रिया ब्यूटी पार्लर। हाँ बहुत बढ़िया, मेरी वाइफ है तो उसको खटाते हैं भर दिन, तब जाके 2 वक्त का खाना नसीब होता है, तब गुजारा होता है, कैसे गुजारा होगा, कैसे कैसे गुजारा करते हैं। तो वहां पे वहां मकान मालिक सब है मेरा, वो जो मैं देखते हैं वहां पे मकान मालिक सब है, आया पता चला, मजाक लग रहा क्या है मारे चार चमेट हम, नहीं नहीं मकान मालिक सब है, अब ये जाते तो पूरा हिसाब हिसाब किताब सब। एक काम तुमको नहीं पता, तुम अगर वहां जाता ही है ना दिखा देंगे, उस कोचिंग कभी कभी आती भी है हिसाब किताब लेने के लिए। हाँ कौन सा है दिखाओ भाई, उसी से करवा देंगे खुद से। अच्छा भाई तो लेडीज नहीं ना कहेगी भाई, तो लेडीज कैसे कहेगी, उसी से करवा देंगे तब तो होगा ना भाई, और कहेगी ना हाँ चलो पूछवा ही देंगे तुमको खुद, इसका डाउट किसका डाउट है, किसी का डाउट है तो भाई चलो मेरे साथ चलना, तुम चलो साथ है, चलेगा सबको ले चलेंगे। तुम लोग को नहीं ना है, देखो देखो ये सब कितनी अच्छी है, तू बेगो गधी मतलब डाउट उसको भी है, कहाँ डाउट है, हम ले चलें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलो, नहीं नहीं किसी को कुछ पूछना पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर क्या बोले थे, कथी था रे बुढ़ियों के, ओ क्वेश्चन चेक करना था, चेक करो ना। तो तुम क्या जानो रमेश बाबू, अरे एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, यू डोंट नो, ये आउट ऑफ टेंस, मतलब टेंस का था लेकिन सिखा देते अभी से थोड़ा थोड़ा, यू डोंट नो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ, यू डोंट नो टेंस का था, यू डोंट नो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ, यू डोंट नो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ अ पजिल ऑफ सॉल्ट, सॉरी अ पजिल ऑफ वर्मिलियन, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ अ पजिल ऑफ वर्मिलियन, लिख दे ही ना ना बताए अपजिल, बताए नहीं थे नेक्स्ट पिछले क्लास में अपजिल PUGIL, अपजिल ऑफ सॉल्ट के जगह अपजिल ऑफ वर्मिलियन बताए थे, अपजिल ऑफ वर्मिलियन कॉमा देखे रमेश बाबू,
यू डोंट नो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ अ पजिल ऑफ वर्मिलियन रमेश बाबू, ठीक है, रमेश बाबू, किसी किसी को अभी डाउट होगा कि सच में शादी मुस्कुरा रहा है छोरा, इसका मतलब है कि उसको डाउट है, मुस्काने पर लिखा है तुम्हारा रे कि सर जी झूठ बोले हैं, यू आर टेलिंग अ लाई, है देखो हाँ, डोंट ट्राई टू कैजुअल मी, डोंट ट्राई टू कैजुअल मी, कैजुअल का मतलब फुसलाना, डोंट ट्राई टू कैजुअल मी क्योंकि हाँ बिकॉज 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 आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई एम नॉट अ चाइल्ड, मैं बच्चा नहीं हूं, आई एम नॉट अ चाइल्ड, मुझे गुस्सा मत, क्या हाँ मुझे गुस्सा मत मारो, कि गुस्सा मारता है लोग, गुस्सा कैसे मार देगा तुम किसी को रे, गजब हाल है, कोई क्या काम को एक किलो दुख से मारो ना कोई मारेगा किलो दुख से उसको गुस्सा गुस्सा, डोंट बॉक्स मी, डोंट बॉक्स मी, आगे एक चुटकी सिंदूर अ पजिला वर्मिलियन, डोंट क्रैक योर नकल, क्रैक मीन्स तोड़ना या फोड़ना, आवाज के साथ टूटता या फूटता है क्रैक, डोंट क्रैक योर नकल, आगे डोंट पिंच मी, जोर से काट लेंगे देखने एक रहते नक कैटी ले लिया, गजब है, जोर से नहीं काटते कभी कभी, पक मच्छर छुड़ा देते हैं, डैट कॉल्ड नीप, पक मच्छर छुड़ा देने वाला चींटी काटना नीप, आगे कुछ नहीं खाली मारकर है, वॉट इज इन योर फेस्ट, देर इज नथिंग, नथिंग का मतलब कुछ नहीं, नथिंग क्या बोलते हैं, नथिंग नहीं तो देर का देर से बनता है, अगला चैप्टर है देर, देर इज नथिंग करो, क्या करेंगे सीधे नथिंग मत बोलो, देर इज नथिंग बोलो, कुछ नहीं है, है का इंग्लिश सही है ना, तो है का इंग्लिश देर इज होता है, तो देर इज नथिंग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, देर इज नथिंग, अब मेरे मुट्ठी में इन माई फिस्ट हो गया, ठीक है, है तो क्या मार तो हाँ विराट कोहली के रहते, अब ये पता चल गया विराट कोहली तो पीट देगा तुमको, तो पीटवे करेगा हमको ही पीट देगा, कहेगा यही मास्टर सिखाता है उल्टा पुल्टा, आ जाओ अनुष्का शर्मा इज माय फियांसी, है कब सबक, आ जाओ विराट कोहली इज माय फियांस, फियांस और फियांसी यही था ना, ठीक क्या है हमारे तो ब्याह हो गए जखन नहीं मिले से ना कल जाके ना पूछी कि है क्या था क्वेश्चन, तो कौन है तो क्या बोलते हैं, हुइज इज लगा के चलो, कौन है हुइज, अच्छा क्या है व्हाट इज, और प्रैक्टिस करवा रहे हैं, बोलेंगे कौन है तो क्या बोलेंगे हुइज, हुइज क्या बोलेंगे, क्या है तो व्हाट इज, कहां है वेयर इज, कैसा है हाउ इज, हो जाएगा ना, तो बोलेंगे कौन है हुइज, क्या तुम्हारे मंगेतर ना तो योर फियांस, अगर लड़का को बोल रहे हैं तो फियांसी, लड़की को बोल रहे तो फियांस होगा ना, अच्छा हमारा क्लास में शादी सुना बैठा रहा है हमको तो पता ही नहीं था भाई, तो अकेले अपने कहां छतीन, अच्छा क्या क्वेश्चन था, आई एम मैरिड, मैरी का मतलब होता है शादी करना, ये भर्ब है तुमको, हु इज योर फियांस या फियांसी जो कर दो, देखो लड़का को बोला तो हु इज योर फियांसी, अगर तुम कोई लड़की बोली अपनी फ्रेंड को तो हु इज योर फियांस, योर लड़का, देखो कॉन्सेप्ट ये समझ लो थोड़ा सा, आ जाओ योर का मतलब तुम्हारा तुम्हारी दोनों होता है,
तुम्हारा भी होगा और तुम्हारी। इसमें लड़का लड़की नहीं होता है ना, लेकिन फियांसा फियांसी में लड़का लड़की होता है, तो वहां पर यूज करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा बोलना चाह रहा है तो यहां फियांसी का यूज करेंगे, तुम्हारी बोलना चाह रहा है तो फियांस का यूज करेंगे, वो कॉन्सेप्ट हो जाता है। बेसिक बात सब है, थोड़ा थोड़ा सीख जाएगा। अंगूठा मत दिखा, डोंट शो मी योर थंब, डोंट शो मी योर थंब, दिखाना का सो, दिखाना का सो, हाँ बोलो, बोलने से एकदम जुबान पे आ जाएगा, बिना भाषा का बोला करो। क्या? डोंट शो मी योर फिंगर, ठीक है, तो उंगली मत दिखा तो कौन दिखाएगा, सामने है वाला ना, आया समझ ना, तो तुम्हारा नहीं भी बोलेंगे तो इंग्लिश में लेके चलो, या डोंट शो मी फिंगर, शो मी योर पाम, आ गया चलो। हाँ अखबार, गूगल ट्रांसलेट होगा, नहीं पता नहीं, गॉसिप क्यों बोले थे हम अभी, क्या बोले थे, हाँ मैरी पे थे। मैरी का मतलब क्या होता है, शादी करना, ये वर्ब है, क्या चीज है, वर्ब, उसको नाउन बना सकते हैं, और मैरी को वाई को हटा दो, बोले थे ना, देखो वाई को हटा के लास्ट में आई ईडी लगा दो, क्या लगा देंगे, तो हो जाएगा मैरीड, क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा शादीशुदा। शादी शुदा, जैसे बोलेंगे कि मैं शादी शुदा हूं, आई एम मैरी की मैरिड, आई एम मैरिड, आई एम मैरिड, छाप लो, ठीक है रोशनी चलेगा, ऊपर तक खोल दो पूरा, अच्छे से खोलो ढंग से, रोशनी आएगा ऊपर तक भी खोल के, थोड़ा उधर से भी कुछ रोशनी आएगा, ना दे एक तरफ और खोलो ना, पूरा खोल दो ना एक तरफ, मोड़ लो ऊपर, नहीं तो नीचे तो ले जाओ घर, मास्क बना लेना, आ जाओ। अच्छा एक और होता है शादी करने का वेद, देखता है लिखा रहा था उस सब पे, क्या बोलते हैं जो शादी वाला नहीं, शादी होता है तो जो लिखा रहता है इस पे, कथी लिखा रहता है, कुछ नाम बोला ना, नाम चोपा, वेट गजब, आजा चोपा बोलने से गया था बेचारा, चोपा बीच में यहाँ पे लिखा रहता है, वेट्स नहीं लिखा रहता है, सजाया रहता है एकदम स्टाइल में, चोपा का भी है ना इसलिए, और नीचे रहता है चोपी, ऐसा ही ना, साइड में है, आप बाहर को देखे चोपी के साइड में, मतलब इसको चोपी कर के बाहर ले आओ, गधे है। अच्छा यहाँ लिखे, यहाँ कथी रहता है, डेट दिनांक, क्या तारीख ब्याह है, क्या तारीख है, 16 के ब्याह है, देखिए चोपा के 16 32 12 2021 चोपा का ब्याह है, ऐसे ना सजाल रहता है, ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा था बीच में, अलग से यहाँ पर, अच्छा देखो इसका, देखो कॉमेडी डेट रहे भाई, डेट यही ना रहता कि यहाँ कैसे रहेगा, उसी में लिखा नहीं, हाँ गए बहन बात से पूछी पहले, बोले नहीं रहता जी, नहीं लिखा रहता है, पोस्टर तो साथ रहता शादी वाला गाड़ी चप्पल, डेट रहता कि उसपे, हाँ तो उसपे लिखा नहीं रहता है, हाँ गाड़ी पर जिसका शुभ विवाह भी लिखा रहता है, हाँ यहाँ पे शुभ विवाह भी कहीं घुसिया रहता है यहीं पे, दिनांक वाली खर्च इतना चीज तो रहता ही है, हाँ आजकल तो आ गया चरखुट वाला भी रहता है ना आजकल, हाँ यही तो बात तो शादी कार्ड पे रहता है, तो हम बताना चाह रहे ये वाला वेट्स क्या है, इस वेट्स का मतलब क्या होता है, लोग समझ, लेकिन यही चीज अगर हिंदी में लिखा रहेगा तो हिंदी में क्या लिखा रहता पता है, चोपा संग, ये तो हिंदी वाला चोपी, हिंदी वाला में ऐसे रहता है चोपा संग
चोपी, तो हिंदी में संघ लिखा जाता है लेकिन इंग्लिश में वेट्स लिखा जाता है, तो वेट्स का मतलब संघ नहीं होता है, ऐसा मन में ख्याल आएगा ना, वेडिंग कुछ कह दे ना आई ना चले अब अभी चलवे आगा वेडिंग पर, अब ये अभी तो शादी काटो ने छप लिया, दूल्हा सब पहुंच दे बराती इतने तक बात ना वेडिंग के पहले वेडिंग है, देखो बराती पहुंच में नहीं क्या वेडिंग है, ध्यान है इसको जयमाले कराते क्या, अभी पहुंचते रुको अभी तो शादी का पोस्टर है छप रहा है, अभी अभी गाड़ी में चिपकेगा गाड़ी निकलेगा पहुंचेगा तब चालू है, तय अभी रुकी है आ जा क्या जी इसमें दिनांक छूट गया क्या इसमें, लो तुम लोग ही बनाएगा क्या तारीख है, 16, 17, 18 एक के दिन भी आता है, अरे तो चोपा के भी चले हिंदी इंग्लिश वाला चोपा जा तब नहीं मैच नहीं करेगा भाई, आ जाते अपने औकात पे 12, 21 तीन साल पहले ब्याह करा दी चलिए आ जाओ क्या है आना मेन काम में आते हैं, वेट्स है ना वेट्स, वेट नहीं है एस नहीं लगता है पहले एस हटा दो पहले तो वेट होता है, वेट का मतलब होता है शादी करना, वेट का मतलब क्या होता है हाँ शादी करना, देखो जब टेंस में जाएगा ना तो टेंस में क्या होता है कि अगर एक रहेगा तो उधर एस सी एस लगा देते हैं, वेट्स कर देते हैं, जैसे प्ले नहीं प्लेज करते हैं, वो नहीं गोज करते, कब जब इधर एक रहेगा, देखो जरा हम कहना क्या चाह रहे हैं, जैसे मान लो इसको यहां सिखाते हैं, जैसे लिखा रहेगा तुमको चोपा खेलता है, क्या बोले तुमको हम चोपा, तो चोपा खेलता है तो खेलना का क्या होता है, लेकिन गलती है इजमान नहीं आएगा पहले, ये बात भूल जाओ तुम इजमान हाँ टेंस में जो सिंपल प्रेजेंट होता है वहां इजमान नहीं आता है, तो सीधे बोलेंगे चोपा प्ले, लेकिन प्ले भी गलती है, प्ले भी क्या है इसमें एस लगाओ तो ठीक हो जाएगा, चोपा प्लेज इसका हिंदी हो जाएगा चोपा खेलता है, और बोलेंगे चोपी खेलती है तो क्या बोलेंगे चोपी प्लेज, बोलेंगे चोपा जाता है तो क्या बोलेंगे चोपा गो की गोज, ठीक है ना, चोपा लिखता है चोपा राइट, आए समझ ना, हाँ क्या क्लास में तो 9:30 अरे रेडी रहो ना, ठीक क्या बोले थे कोई कुछ ले बोले के लिए हाँ हाँ बोलेंगे चोपा शादी करता है तो शादी करना क्या होता है वेड, तो जरा बताओ कि वेड की वेड अब समझ में आ गया ना, जैसे बोलेंगे कि चोपा क्रिकेट खेलता है तो चोपा प्लेज क्रिकेट हो जाएगा, अगर पबजी रहेगा तो क्या बोलेंगे चोपा प्लेज पबजी, यही ना, लेकिन बोलेंगे चोपा चोपी से शादी करता है, पानी देखो तो बोतल दे दो नहीं ना, ओकरा सब ये कंठ सूखे लगले कि सभी शादी में पहुंचते तक आता रंतरोई के भुजिया हिचकी को बोलते हिकअप, देखो बेचारी को हिकअप आ गया है, हिचकी नहीं उठ रहे हिकअप उठ ले आया समझ में हिकअप, एक के साथ है हिकअप हिचकी, प्रैक्टिकल देखना है दिखा दे उल्टिया मत कर देना प्रैक्टिकल के चक्कर में उल्टिया मत कर देना तो वोमिटे आ जाएगा तुमको भाई, वोमिट लोग बोलता है ना वोमिटिंग हो रहा है, नहीं बोलते हैं बस वगैरह हम जाते तो उल्टी हो जाता है, जिसके हम एकदम फैन है हमको, तुम अब यहां से अगर हम चार चक्का यहां से खिरमो चल जाएंगे तो पारे नहीं उल्टी कर देंगे, इसलिए मेरे साथ मत जाना भाई, इसलिए हम जाते ही नहीं है कहीं दूर दराज, बस से जाते नहीं ट्रेन से जाएंगे या हवाई जहाज से, हमको बहुत होता है पता नहीं पता नहीं, यहां तक हम पार नहीं जाएंगे ना तो दिन में कर देंगे हम हाँ चार चक्का से, इसलिए हम ऑटो से ही जाते हैं, ऑटो में नहीं होता है बाकी कोई भी पैक गाड़ी है 100% होना ही है, इसलिए जल्दी किसी के साथ ही बराती जाते जाते हैं, जाते तो बाइक से जाते हैं, बाइक से नहीं होता है लेकिन ऑटो में भी नहीं होता है, हाँ ऑटो में अगर उल्टा साइड बैठेंगे जैसे गाड़ी इधर जा रहा है उल्टा बैठेंगे तो मन घुमा देता है, तो होगा नहीं पारा दी तो समझ खिरमा पहुंचते पहुंचते कर देंगे, इसलिए ऑटो लगा देते हैं हम इधर बैठेंगे किसी को आप हटाइए नहीं तो ड्राइवर सीधे बैठ जाएंगे, हम जनरल कहता हूँ हाँ ऑटो में उल्टा बैठेंगे तो मन घूमता है पता नहीं, पता नहीं। अच्छा वो स्टोरी सुन लो क्या दिक्कत है, सुनाए थे क्या
भूमिट का मतलब उल्टी करना होता है, ये वर्ब है, ये तुम वो क्या है वर्ब। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? उल्टी करना। लोग जो बोलता है ना भूमिटिंग, वोमिटिंग का मतलब देखो, जब ये वर्ब से कोई चीज नाउन बनेगा ना, कॉन्सेप्ट समझो एक बार, वर्ब से क्या बोले नाउन बोलेगा तो ये करना हट जाएगा, वही ना होता है, ना हट जाता है ना, तो ना हटेगा कि करना ही हट जाएगा, है पूरा ये हट जाएगा, वो पूरा ना हटेगा, तब ना नाउन हट गया करना भी हट गया, तो क्या बच जाएगा? वर्ब से नाउन सर बनाएंगे कैसे? देखो वर्ब से नाउन बनाना सिखा देते हैं, लास्ट में आईएनजी लगा दो वर्ब से नाउन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा वोमिटिंग, उल्टी ना ही उल्टी हिचकी करती अल्लाह तीन को मीनिंग तुमको मिलता, ठीक। हाँ सीखने के लिए देखो इसको हिचकी करना पड़ गया, देख रहे ना, वाह स्टोरी देखो, मेरे पास पहले वो गाड़ी था ना स्कॉर्पियो, भाड़े पे जाता था ना, तो मेरा जो ड्राइवर था तो कौन स्टोरी सुने क्या कर वह पर स्टोरी है क्या वह पर है, तो गाड़ी भाड़े में जाता है ना, तो शादी बुक था, तो शादी में पहले गाड़ी लगाता है ना, तो बराती से बैठता है ना, तो आराम से गाड़ी लगा स्कॉर्पियो, उसमें सब आदमी बैठ गया, पूरा कोचम कोचा हो गया, पूरा कोचा गया। उसके बाद एक बुढ़िया आई, देखी पूरा गाड़ी भरल, कहीं सीट खाली नहीं है, तो देखी ड्राइवर वाला सीट खाली है, चुपचाप जाके अपना ड्राइवर सीट बैठ गई। ड्राइवर आया, मेरा ड्राइवर था, आया देखा पूरा भरा, ठीक है अपना गया खुलता ड्राइवर, हाँ सच कहानी दी है ना स्टोरी है, पेगमपुर घटना है सच में, तो बस ड्राइवर गया वो खोला, क्या बोलते हैं गेट खोला, ये देखे इसको, वो भी देखते बुढ़िया भी देखते इसको, ये भी देखता है इसको, तो बुढ़िया कहते बउआ तू कहाँ बैठवा वो कह रहा है कि भाई हम कहाँ बैठेंगे गाड़ी को वो भी करा, ड्राइवर कहाँ बैठेगा भाई, बुढ़िया तो पहले से जगह छाप ले वहां पे, अब बताओ ऐसा था कॉमेडी से रियल घटना है बुढ़िया को ये नहीं पता कि गाड़ी कौन चलाएगा ड्राइवर बोला कि गजबे आदमी सब है, ठीक है समझा गया ना, पेगमपुर का लोग तो कैसा होता है ये देख लो एग्जाम्पल, देख रहे दिमाग देख लिया ना, चलो आ जाओ वोमिटिंग हो गया ना स्टोरी रियल स्टोरी था, लेकिन तुम लोग हिम्मत करना कि सब सीट फुल रहेगा, जाके ड्राइवर सीट पर बैठ जाओ, ड्राइवर अपना भाग जाएगा छोटा करके। चलो कहाँ थे, तुमको अभी बताया था ना उसका मीनिंग हमको याद आया था रे, नहीं बोलते कोच काच के जो बैठान देते हैं उसका भी कोच काच के उसका मीनिंग है, अभी हम भूल गया है, हमको याद आया था कि स्टोरी के चक्कर में भूल गया हम। एक तो कैकोफोनी होता है, काई कुछ नहीं जाएगा, बच्चा नर्सरी के क्लास में एलकेजी में बच्चा तो काई कुछ करते रहता है, आवाज कुछ मतलब हल्ला गुल्ला, हल्ला गुल्ला भी अलग होता है, जैसे हम लोग करेंगे तो नॉर्मल हल्ला गुल्ला करेंगे बात करेंगे, नर्सरी क्लास में काई कुछ करते रहता है, कैकोफोनी बोलते उसको। कैकोफोनी काई कुछ, हल्ला करना का तो मेक अनवाइज होता है, मेक अनवाइज, नॉइज है नॉइज, क्या चाहिए नॉइज, मेक अनवाइज, हिंदी क्या हो जाएगा है हल्ला करना, हल्ला करना, नॉइज का मतलब होता है हल्ला, एन ओ आई एस ई नॉइज। और करने के लिए किसका यूज करते हैं, देखो नॉइज जो था ना वो नाउन था, क्या था, लेकिन हल्ला करना ना बोलते, बोलेंगे हल्ला मत करो, तो डोंट नॉइज की डोंट मेक अ नॉइज, हाँ तो अलग से वर्ब था, रेडीमेड वर्ब लगाए, बोले थे ना कुछ रेडीमेड वर्ब है बस वही लगता है, मेक अ नॉइज हल्ला करना, डोंट मेक अ नॉइज हल्ला मत करो, हिंदी क्या हो जाएगा, यहां लिख देते हैं डोंट मेक अ नॉइज, कभी क्लास में कोई हल्ला करे इंग्लिश में बोलना डोंट मेक अ नॉइज इन द क्लास, किसी को हल्ला करवा देना और फिर जाके चुप कराना इंग्लिश में, तुम तो बोलना रिपीट देना अच्छा आ जाओ हिंदी लिख लेगा ना, इसका क्या हो जाएगा, अच्छा चोपा वर्ड्स चोपी, ये समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट,
वेट्स लिखा रहता है, मतलब चोपा शादी करता है किससे, चोपी से, समझ में आ गया ना। हमको लगता, हमको भी बच्चों में लगता था कि वेट्स का हिंदी में संघ होता है, इंग्लिश में वेट्स होता है, लेकिन नहीं, ये अलग चीज हो गया, ये अलग चीज हो गया, पता नहीं, आई डोंट नो, जो तो नहीं पता, विथ होगा, संघ का मतलब हो गया साथ, लेकिन वेट्स लिखा जाता है हिंदी में, इंग्लिश में। ताजा तो वेद का मतलब शादी करना, आओ वेद में एस लगा दे शादी करता है हो जाएगा वही ना, एस लगाते, देखो भर में एस एस लगाते हैं ना, इधर भर तुमको भर में एस एस लगा देते हैं, नहीं भी लगाते, टेंस में जाते ही वो ताते ती में बदल जाता है, टेंस में जाएगा किस में बदल जाएगा, ताते ती में, इसने बोले कि इसका हिंदी हो जाएगा चोपा चोपी से शादी करता है, इसका हिंदी चोपा पबजी खेलता, हिंदी लिखा, लिख लो कोई दिक्कत नहीं, लिखो देंगे क्या दिक्कत है, इसमें ताते दी आएगा, खेलता है चोपा पबजी खेलता है, चोपा चोपी से शादी करता है, चोपा चोपी से शादी करता है, हिंदी हो जाएगा, हो गया, देखिए कुछ नहीं, देखो ये वेट जो है ना ये भी वन है, और एस लगाने पे क्या हो जाता है भी फाइव, तो ये भी फाइव है, दोनों भरवे है, समझा गया ना, ये तुमको क्या है, ये तुमको क्या है भी फाइव, समझा गया ना, दोनों का हिंदी सेम होता है, जो भी वन का हिंदी होता है वही भी फाइव का भी हिंदी होता है, ये बात समझा, लेकिन यूज अलग अलग होता है, जैसे अगर मान लो कि राम और श्याम रहेगा तो भी वन लेगा, राम और श्याम रहेगा तो सिर्फ राम रहेगा तो भी फाइव लेगा, ठीक है, जैसे मान लो चोपा अकेला है कि एक दोनों के साथ है, मान लो सिर्फ चोपा बोले, सिर्फ चोपा तो बताओ ये क्या गो है, अकेला है ना, अकेला है तो नीचे वाला भी फाइव लेगा, ठीक, अगर बोलेंगे सर चोपा के साथ अगर कन्नियो चे लेते तो चोपा और चोपी दूगो हो गया, तो दूगो हो गया तो भी वन, तो भी वन अभी फाइव लगाने आ गया, कहां लगेगा भी वन, हाँ जैसे यहां लिख देते हैं, भी वन लगेगा किसके साथ जरा बोलो तो, एक के साथ, गलती बोल दिया, हाँ दो के साथ, चलो दो का मतलब क्या लिखें, दो के साथ, लो याद रहेगा अब, अच्छा अब भी फाइव कहां लगेगा, बस हो गया, कितना आसान तो है, हम कंफ्यूज कहां छे, ब्रैकेट लिख देना चोपा लिख देना, एगो में एग्जांपल में चोपा, चोपा हो गया एक, इसमें क्या लिख देंगे, चोपा एंड चोपी हो गया, दो हो गया, इस एग्जांपल से याद रहेगा, अच्छा चोपा है तो भी वन, चोपी है तो भी फाइव, क्लियर है कॉन्सेप्ट, इसलिए देखो चोपा है तो भी फाइव का यूज किया, भी फाइव का मतलब एस या एस, मिटा है तो बोलेंगे कुछ नहीं, तो क्या बोलेंगे, नथिंग, शादी करना का क्या हो जाएगा, मैरी, एक बार क्या हो जाएगा, वेट, अगर बोलेंगे मैं शादी, अच्छा जैसे बोलते हैं कि मैं शादी में हूं, हाँ तो वेट से वेडिंग बनता है विवाह, आई एम इन वेडिंग, वेट से ही क्या बनता है, वेडिंग, नहीं बोलते हैं वेडिंग में जा रहे हैं, किसे बोलते हैं, हाँ वेडिंग मतलब विवाह, ये शादी,
हाँ हेलो नमस्ते। नहीं नहीं आज बंद है। नहीं नहीं कल से ठीक। कल कॉलेज जाना है। क्या कहे बोलेंगे मैं शादी में हूँ तो क्या बोलेंगे? आई एम इन वेडिंग। हिंदी हो जाएगा लिखने। हाँ हिचकी को क्या बोलते हैं? हिकअप। क्या बोलेंगे? हिकअप। उल्टी करना का वॉमिट। उल्टी का वॉमिटिंग। क्या बोलेंगे? वॉमिटिंग। काई कुछ का कैकोफोनी। क्या बोलेंगे? अब बोलेंगे चोपा खेलता है तो क्या बोलेंगे? चोपा प्ले। चोपा और चोपी खेलता है। चोपा एंड चोपी प्ले। नहीं उसमें ऐसा नहीं प्ले। हाँ हल्ला का नॉइज। हल्ला करना का मेका नॉइज। छीकना का छीकना स्नीज। भूल गया। तुतलाना का स्टेमर है। तुतलाना लिस्प लिस्प। हकलाना का स्टेमर। जैसे किसी क्वेश्चन करेंगे क्या दिक्कत है? दिक्कत है कथी गए तू तथा कुछ छाप देवी। अच्छा एग्जाम्पल उल्टा लिख दिए है। वही तो हम कौन छे क्या? इसमें क्या होगा? चोपा एंड चोपी। हाँ इसमें क्या होगा? सिर्फ चोपा। अब हुआ तुमने एक हुआ चोपा और दो हुआ चोपा चोपी। ठीक है की बोल आप की करिए। अब गलती तो भगवान से हो जाए। हम तो इंसान है। कहाँ मेरा गलती है? हम तो अपना गलती सुधार लेते। अपना सुधारो तुम बैठ करके मिटा दे। तो बोलेंगे मैं शादी में हूं तो क्या बोलेंगे? आई मीन वेडिंग। अच्छा किसे क्वेश्चन करेंगे कि क्या तुम शादीशुदा हो? इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? नहीं 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 जैसे बोलेंगे कि तुम शादीशुदा हो तो क्या बोलेंगे? यू आर मैरिड। मैं शादीशुदा हूं आई एम मैरिड। सोनू शादीशुदा है। सोनू इज मैरिड। चोपा शादीशुदा है। चोपा इज मैरिड। चोपा और चोपी शादीशुदा है। चोपा एंड चोपी इज की आर मैरिड। इट हो गए ना। ये सब आंसर था। अभी जितना ही बोले सब क्या था? हमको तो पहले क्वेश्चन करना है सामने वाले से। क्वेश्चन करेंगे ना तो क्वेश्चन करेंगे तो शुरू में क्या आ जाता है? क्या तुम शादीशुदा हो? क्या मैं शादीशुदा हूं? क्या वह शादीशुदा है? क्या चोपा शादीशुदा है? आया समझना। शुरू में क्या आ रहा था? क्या शुरू में क्या आ रहा था? क्या याद आएगा ना? गुस नहीं करना। जो तुम इजमार बाद में बोल रहा था ना वो इजमार को शुरू में ले आओ। देखो जैसे बोले कि तुम शादीशुदा हो तो क्या बोलेंगे? यू आर मैरिज। ये नहीं करेंगे बस हो गया। बहुत आसान इंग्लिश है। लॉलीपॉप है दे देंगे चूसते रहना। लॉलीपॉप डंटा वाला चॉकलेट को बोलते हैं। देखो लॉलीपॉप कैसा चॉकलेट होता है? डंटा वाला। ए कवर लगा रहता है। कवर चढ़ा के चाप देना। हाँ हाँ डंटा वाला कहा लिखे भाई हिंदी? डंटा वाला चॉकलेट। ओ ठीक। और चॉकलेट का जो कवर होता है ना पन्नी नहीं होता है उसको रैपर बोलते हैं। रैपर ढक्कन। नहीं नहीं कह देखे भी देखिए इतना ब्याह में आए ले जयमाला तो वो ना करता है। ये तो अपना चापेगी या जाएगी अपना। वाह जैसे लगता है कि अपने नहीं लिखते बोर्ड पे हम। हाँ हेलो
वो लोग तो शायद आएगी ना, बात कर लो ना, बुला के दे दो, चाबी दुकान पर रख देते हैं, हम नहीं लेंगे, लेकिन 11 बजे बैच खुला हुआ है। ठीक है, दस बजे मत जाना, आज नहीं जाना, 10 बजे कल से, उसका कंप्यूटर बैच है, क्या कहे? नहीं 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 नहीं, हाँ कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, हम लोग ऐसे क्या पूछते, कोई भी कर सकता है भाई, क्या मना है क्या पढ़ाई में, कोई भी बच्चा कुछ भी कर सकता है, मना थोड़े है, कोर्स का बता देंगे क्लास के बाद, 2-3 कोर्स से समझा देंगे, कथित है रे, क्या दर्द है? अच्छा चॉकलेट में थे ना जी, और चॉकलेट होता पता है कि नहीं, ज्यादा सजा दिए क्या? हाँ भाई तुम ठीक से सजाना, हाँ उन्हें बना लो ठीक से, चॉकलेट बताएंगे ऐसे याद रखना, आज चॉकलेट घीच देंगे, टाइम है क्या? हाँ चॉकलेट घीच देंगे आज हम। अच्छा हाँ, इसमें क्वेश्चन बता रहे थे ना, इसका हिंदी क्या हो जाएगा है, क्या कैसे आ जाएगा? तुम ये तो आंसर हो गया ना भाई, हाँ अब तुमको क्या सीखना है, क्वेश्चन करने ना, बहुत आसान है, पहले हिंदी का बनाओ, हिंदी में क्या करेगा तुम, क्या तुम सुधा हो, जब ये क्वेश्चन किया तो ऐसा वाला आ जाता है, हाँ कौन सी नहीं रे, क्वेश्चन मार्क, कौन सा मार्क्स, क्वेश्चन मार्क बोलते, ठीक है ना, याद हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, ऐसा वाला याद रखो ना, कैसा वाला, ऐसा वाला याद रहेगा, मतलब ऐसा वाला मार्क्स दीजिए ना, दे देगा, ठीक है आ जाओ। अच्छा देखो इसमें इसमें ये अंतर है कि इसमें ऐसा वाला मार्क्स आ गया ना, और शुरू में क्या लिख दिए, बस ये अंतर ना, तो सर इंग्लिश में भी तो कुछ करना पड़ेगा, जो क्या हो जाएगा, तो इंग्लिश में कुछ लिखना नहीं पड़ता है, समझो आराम से, रुको लिखना, जैसे बोलेंगे लिखना बंद करो, क्या बोले, तो बंद करो का क्या होता है, स्टॉप, लिखना का आप स्टॉप, ऐसा वर्ब है जो अपने बाद भी फोड़ लेता है, आईएनजी वाला, कैसा वाला लेगा, आईएनजी वाला, तो स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद करो, चलो आ जाओ। तो इसमें क्या करना है, क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ नहीं है, ये तुम्हारा क्या है, सब्जेक्ट, ये तुम्हारा क्या है, वर्ब, क्या चाहिए तुम्हारा, वर्ब, वर्ब में भी दो कैटेगोरी है, एगो मेन वर्ब, एगो हेल्पिंग वर्ब, कौन कौन वर्ब, एगो मेन वर्ब, एगो हेल्पिंग वर्ब, तो ये मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है, रियल में हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये मेन वर्ब है, ठीक है ना, छोड़ो सीधे समझो हेल्पिंग वर्ब है, एडवांस आगे मत जाओ, सीधे कौन सा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, तो जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा ना, तो हेल्पिंग वर्ब क्या सब रहेगा, वही इज अमार, हेल्पिंग वर्ब कैसा दिखता है बता देते, इज अमार हेल्पिंग वर्ब है, वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब है, Do, does, did helping verb है, has, have, had helping verb है, shall, will helping verb है, can, could, may, might, ये सब क्या है तुमको? अभी जितना ही बात बोले सब क्या है? Helping verb है। तो कुछ ने helping verb को उठा लो गोदी में और शुरू में ले आओ, लो, ठीक है ना? क्या करेंगे? Helping verb को गोदी में उठा लेंगे, गोदी को बोलते हैं lap, L-A-P, lap, lap का मतलब क्या होता है? गोद, ठीक ना, आ जाओ, तो गोदी में रख के कहां ले आएगा, तो तुम ही बताओ, इसको ले आओ शुरू में तो क्या हो जाएगा, अच्छा यहां रहेगा कि नहीं रहेगा वहां, तो यहां लिखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर यू, तो क्वेश्चन बनाना आसान है कि हार्ड है, बस जो बाद में बोलते हैं उसको पहले बोलना है, जो सब्जेक्ट के बाद बोलते हैं उसको सब्जेक्ट के, बस हो गया खत्म, ध्यान रखना अपने हो जाएगा, तो यू आर मैरिड को आर यू मैरिड, यू आर हैप्पी को आर यू हैप्पी, यू आर गुड को आर यू गुड, नहीं हो जाएगा, यू आर मैड को आर यू मैड, बोलेंगे तुम पागल हो, क्या बोलेंगे, यू आर मैड, और तुम बोले इसको क्या तुम पागल हो, आर यू मैड, एक्सप्रेशन बदलना चाहिए, लगना चाहिए पागल की तरह, अब किसी को बोलेंगे गोली मार देंगे और पॉकेट में हाथ रखेंगे, बोलेंगे गोली मार देंगे तुमको, तुम कहीं डरेगा कैसा, तुम ही को मार दे, बंदूक दिखाना पड़ेगा ना तुमको, बंदूक दिखा के ना बोलेंगे उसको गोली मार देंगे, एक्सप्रेशन बदलना चाहिए, एक्सप्रेशन को बोलते अभिव्यक्ति, जैसे हंसते हैं खुशी का बात हंसते हैं ना कि रोते हैं,
वहां एक्सप्रेशन बदल जाता अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन हर समय बदलता है। कोई मर गया तो हम सेंटर मार के जाएंगे, ऐसा ना कहीं अगला पार्टी तुम्हारा ही हो जाए, तो वहां भी एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए। लेकिन शादी है तो एक्सप्रेशन और बदलना चाहिए, और तुम्हारे ब्याह है तो तब तो एक्सप्रेशन रहे नहीं करेगा, तो खुशी है पागल हो जाएगी, आज तक लगता है कि मेरा ब्याह है ना। अच्छा एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति हिंदी नहीं समझ में आ रहा होगा, इंग्लिश समझो। रूप जो बदलता है ना, रूप, हाँ, बोलने का, घूमने का, टहलने का, एक्सप्रेशन। क्वेश्चन करने आ गया ये तुमको, क्या हो गया क्वेश्चन? अगर वो आंसर देगा हाँ हम शादीशुदा है, क्या कर लेगा तुम? क्वेश्चन क्या कि आर यू मैरिड, बोलेगा हाँ है, बोलेगा ना हाँ हम शादीशुदा है। आंसर अगर देगा तो क्या देगा? अच्छा स्टॉप राइटिंग का हिंदी क्या लिखे है, लिखे इसका लिखना बंद करो, छाप लिया तो मिटाएंगे उसको, नहीं छापा तो छापो, लिखना बंद करो। क्या बोलते हैं, क्या तुम शादी शुदा हो, इसका आंसर देना ना। तो हाँ बोलेंगे तो यस बोल दो, नो नहीं बोलेंगे तो नो बोल दो, ठीक है ना। और बोलेंगे हाँ तो क्या बोलेंगे, यस, बोलेंगे नहीं तो क्या बोलेंगे, कॉमा का यूज करो, ऐसा वाला कॉमा, ठीक है ना। अब शादी शुदा है तो बोलो आई एम मैरिड, शादी शुदा नहीं है तो बोलो आई एम नॉट मैरिड, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे, जैसे बोलेंगे हाँ मैं शादी शुदा हूं तो क्या बोलेंगे, यस आई एम मैरिज, मत बोल देना मैरिड, मैरिज का मतलब विवाह होता है। कोई बोला है रे, ठीक है मैरिज का मतलब विवाह बोल देते, वो अलग चीज है विवाह, है ना, हाँ मीनिंग अलग अलग है, कुछ बोल देंगे तो बाप रे बाप मारे पीट हो जाएगा। इंग्लिश का मजाक उड़ा रहा है, उतना भी मजाक मत उड़ा देना कि अंग्रेज खुद ही आ जाए कहे हे 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 बाप रे बाप आ सकता, हाँ कहे इतने केला मजाक उड़ावे छे, तो बोलेगा डोंट कट आर जो, क्या बोलेगा कट ए जो, कट आर जो का मतलब मजाक करना, तो बोलेंगे कि मजाक नहीं करियो ना, डोंट कट अ जोक, जिससे भी करेगा वो क्या लगा के विथ, बीच में डैश नहीं है, छोटका वाला हाइफ़न है, कट ए जोक के बीच में जो देते हैं छोटा डैश, डैश से छोटका भाई, डैश का हाइफ़न, हाँ डोंट कट अ जोक, बड़का ये डैश है हिंदी जो लिखते हैं देकर के वो डैश है, देखो ये डैश दिए अभी हम, लेकिन यहां भी बीच में छोटा सा दिए ना, छुटका रहता हाइफन, डोंट कट अ जोक। हाइफन का यूज होता है क्या पता है, जब कोई वर्ड बड़का होता है एक बार में नहीं होता रहता है तो तुर तुर के बोलते हैं ना, तुर के बोलते, लेकिन जुटल तो रहेगा ना फेविकॉल से, वही है ये खींच के रखता है, ये हाइफन क्या करता है ये को खींच के रखता है, ये कहता है कि ए इसी का है, ये हाइफन इसको खींच के रखता है कि जोक इसी का है, इसलिए एक साथ बोलिएगा कट अ जोक, हाँ वाला कट हाइफन आ हाइफन जोक क्या करता हाइफन, तब तो हो ही गया, तब उस बात नहीं बताएंगे भाई, डोंट कट अ जोक, मजाक मत करो। जितने भी करेगा विथ लगा करके, क्या लगा करके, जैसे बोलेंगे कि मुझसे मजाक मत करो, डोंट कट अ जोक विथ मी, बोल जरा क्या बोलेंगे, डोंट कट अ जोक विथ मी, जैसे बोलेंगे कि मेरे भाई के साथ मजाक मत करना, डोंट कट अ जोक विथ माई ब्रदर, हाँ आज के बाद मेरे साथ मजाक मत करना या मुझसे मजाक मत करना, आज के बाद ना आफ्टर टूडे, क्या बोलेंगे आफ्टर टूडे डोंट कट अ जोक विथ मी, हो जाएगा एक बार बोल दो जरा क्या बोलेंगे, आफ्टर टूडे होता है ना, आफ्टर टूडे आज के, आज के बाद, आराम से देखते चलो।
सीखते चलो। यस आई एम मैरिड या नो? अच्छा नो रहेगा तो यहां पे नॉट आ जाएगा, पता है कि नहीं? कहां पे? हेल्पिंग वर्ब के बाद आया, समझा? हेल्पिंग वर्ब के, देखो क्वेश्चन बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आना। क्या बोले? क्वेश्चन बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब को, अगर निगेटिव बनाना हो नहीं बोला तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना, हो गया। कहीं भी हेल्पिंग वर्ब खोज लेना, उसके बाद क्या करना? नॉट लगा देना। चलो क्या कॉन्सेप्ट बताए हम? क्वेश्चन ना, क्वेश्चन, क्वेश्चन बनाना तो क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को कहां ले आएंगे? शुरू में, और फिर क्या रख देंगे? सब्जेक्ट, लास्ट में ऐसा वाला सिंबल होता है ना, ये ना ट्रिक हो गया। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, डाउट है? निगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट रहेगा ही, उसके बाद क्या रहेगा? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या लगा देंगे? नॉट, उसके बाद जो लिखो, यही ना होता है? क्या डाउट है बोलो? क्यों यू ई एस टी एन सही नहीं है? ऐसा ही नहीं या देखी था? आए कमजोर है, कर दिख नहीं रहा है, आ जाओ। हमको तो साफ साफ दिख रहा है, क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिख रहा तुम लोग को? क्वेश्चन में ऐसा दिख रहा है? देखो पीछे वाला को साफ साफ दिख रहा है, आगे वाला को दिक्कत होता है। इन्हीं लोग को पीछे बैठा दिया करो, झंझट खत्म। क्या बोलते हैं? जिससे भी करेंगे विथ लगा करके, मजाक जिससे भी करेंगे विथ। तो जैसे बोलेंगे कि नहीं मैं शादीशुदा नहीं हूं, तो क्या बोलेंगे? नो आई एम नॉट मैरिड, हो जाएगा ना? चलो रहने दे, काफी है। कितना मार कर यार, बोले क्वेश्चन लिखो। मेरे पापा शादीशुदा है वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट। क्या तुम शादीशुदा हो? आर यू मैरिड? क्या तुम शादीशुदा हो? आर यू मैरिड? क्या तुम शादीशुदा हो? आर यू, आंसर मत लिख लेना, हाँ आंसर घर पे, ठीक। नहीं मैं शादीशुदा नहीं हूं, नो आई एम नॉट मैरिड। नहीं मैं शादीशुदा नहीं हूं, आई एम नॉट मैरिड। क्या तुम घसकल हो? क्या तुम घसकल हो? घसकल को बोलते हैं मुंस्ट्रक। ना छापे कल ले देंगे नहीं तो, घसकल मुंस्ट्रक। घसकल मतलब पगला के लिए गए, मुंस्ट्रक घसकल। क्या तुम घसकल हो? आज यू मुंस्ट्रक? हाँ हम घसकल छे। अगला क्वेश्चन ये होगा, हाँ हाँ हम घसकल छे। मारब तो रहा हूं, लिख रही अपने आप लोग। हाँ हम घसकल छे, एनाते लिखवाए, लिखियो। उसके बाद आज के बाद मुझे कॉल मत करना, आज के बाद मुझे कॉल मत करना। नेक्स्ट, आज के बाद मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, आज के बाद मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। हम्म,
मुझसे मजाक मत करो क्योंकि मैं उस तरह की लड़की नहीं हूं। डोंट कट अ जॉक विथ मी बिकॉज आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ गर्ल्स। मुझसे मजाक मत करो क्योंकि मैं उस तरह की लड़की नहीं हूं। मुझसे मजाक मत करो क्योंकि मैं उस तरह की लड़की नहीं हूं जैसा तुम सोचते हो। एक ही में आएगा क्योंकि मैं उस तरह की लड़की नहीं हूं जैसा तुम सोचते हो। डोंट कट अ जॉक विथ मी बिकॉज आई एम नॉट दैट टाइप्स ऑफ गर्ल्स एज यू थिंक। इंग्लिश मत लिखना, तोड़ देंगे कान हम। लिख दिया तो हाँ, क्योंकि मैं उस तरह की लड़की नहीं हूं जैसा तुम सोचते हो। मैं बहुत भोली भाली हूं। लिख दे ओकरे में, मैं बहुत भोली भाली हूं। लिख लो अलग से, कोई दिक्कत नहीं है, बनाना तो है ही तुमको। मैं बहुत भोली भाली हूं। लिख देना भोली वाली। आई एम तू भोली वाली, क्या दिक्कत है? आ जाओ, हमको आता तो यही रहते हैं, हम तो कुछ बोल देते हैं, उतना हमको आता तो वही गया, तब ना अंग्रेजी रहते हैं हम। हाँ लिखा, क्या लिखा है? उसके बाद आगे, मैं शादी में हूँ। आई एम इन वेडिंग। मैं शादी करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू वेडी, सॉरी आई एम गोइंग टू मैरी, गोइंग टू वेड बोल सकते हैं। हाँ मैं शादी करने जा रहा हूँ, तो पहले बनाना मैं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू मैरी, वर्ब जोड़ते टू के साथ, आई एम गोइंग टू मैरी। उसके बाद उसके बाद तुम बोलना, चोपा चोपी से ब्याह करता है। चोपा चोपी से ब्याह करता है, चोपा चोपी से ब्याह करता है। विवाह या ब्याह एक के बात है रे। सोच रहा हो कहीं अलग बात होगा। उसके बाद अल्लाह मत करो, लिखना है भाई। हाँ अल्लाह मत करो, मुझ पर मत चिल्लाओ। चोपा मुझ पर मत चिल्लाओ, चोपी कहेगी। मुझ पर मत चिल्लाओ क्योंकि उसी में, क्योंकि मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं। चोपा कहेगा चोपी से, डोंट शाउट एट मी, आई एम नॉट योर सर्वेंट, क्योंकि मैं तुम्हारा नौकर। उसके बाद कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। हाँ रे क्वेश्चन है रे, आप कुछ बोल देंगे, सब क्वेश्चन है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, पता नहीं बीच बीच में कहाँ जाता है। हाँ कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, पता नहीं बीच बीच में कहाँ जाता है। लिखी ना रे, हाँ पता नहीं बीच बीच में, वो क्वेश्चन भी है अभी जो बोल रहा हूँ। हाँ पता नहीं बीच बीच में कहाँ जाता है, वेयर डज इट गो। पता नहीं बीच बीच में कहाँ जाता है। अगला एक गाना लिख दो, मैं तो रस्ते से जा रहा था। हाँ गाना है, लिख देना है, भेलपुरी खा रहा था। पास्ट, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनेगा, आता है तो बन जाएगा, नहीं आता सिखाएंगे। मैं तो रस्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, उसे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। लिखाएगा, ये लिखना है। हाँ उसे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, उसे मिर्ची लगी तो व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूं। हाँ
आई वॉज गोइंग थ्रू द वे एंड ईटिंग भेलपुरी आई फेल्ट चिल्ली व्हाट शुड आई डू हाँ ट्राई करना था क्या बोलो मैं तो रास्ते जा रहा था भेलपुरी खा रहा था उसे मिर्ची लगी तो हम कथी करिए तो मैं क्या करूं ठीक है ना हो गया काफी है लेट्स ऑल जितना पढ़ा उसको अच्छे से पढ़ना टेंस आता होगा दो चार क्वेश्चन टेंस का दे देते हैं धीरे धीरे